हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड सम करांगे। देखो स्टेटमेंट की लिखी है, गुणनखंड थ्योरम लागू करके दसो हेठां दित्तियां स्थितियां विचों हरेक स्थिति विच जी एक्स, मतलब आ जिहड़ा जी एक्स, ये की है जी एक्स लिखा बराबर एक्स प्लस एक, ए पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। पी एक्स कहड़ा आ, ये जरा पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू दिता 2x की 3 प्लस एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 1। ओके, दसना ए इसका गुणनखंड है या नहीं। मैं तुम्हें ये एक क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में किया 2.3 लास्ट, ठीक है, जिस पूछा सी गुणनखंड है या नहीं। असी की करना ये एक्स की वैल्यू क्ढनी, ठीक है, उन्होंने ये भर के देख लेना, जे बाकी जीरो आया फिर गुणनखंड है, जे नहीं आया तो फिर नहीं है। ओके, आपां इहनू करांगे। पहला देखो आ जी एक्स ते पी एक्स दे विच टेंशन नहीं लैनी, ठीक है, आपां की करना इहनू लिखना जी एक्स बराबर एक्स प्लस, आ जी एक्स पी एक्स की कोई टेंशन नहीं लैनी, दो रकम अपने को मेन यही है एक्स प्लस एक, इधरों ए है, इहचों वैल्यू कट लैनी, इहच भर देनी, ठीक है। पहला लिखांगे एक्स जी एक्स किन्ना दित्ता, देखो पहला की दिता जी एक्स किन्ना दिता है, तुहानू इदां बस लिख ही लैना एक्स प्लस एक, ठीक है, इनू बराबर मान लो जीरो, ठीक है, बराबर की मान लो जीरो, इतने जी एक्स बराबर की जगह डिसिंपलाइज पायो, इनू एरो का निशान पायो, ठीक है, ताकि तुसी कोई कन्फ्यूज ना होवो भी इतों भी बराबर किधरले पासे जाइए। हुण देखो अपने को मनना ये एक्स की वैल्यू कढ़नी, सेम जिहड़े पहले सवाल करते हो ही है, एक्स इधर रख लो आ प्लस का एक, उधर जाके की हो जाना माइनस का, आडे को वैल्यू आ गई एक्स की। ओके, हुण इस एक्स की वैल्यू भरना कदे विच भरना, जिहड़ा तुहानू पी एक्स दिता से, ठीक है, पहले पार्ट दे विच पी एक्स किन्ना आ, मैं इहनू लिखता तुहानू, इहनू इस तरह ही लिख लैना, नाल नाल लिखी जाना कि पी एक्स बराबर है, एक लाइन आप पहला लिखते हैं, ये सामने भावें लिख दो, जे जेकर जे एक्स बराबर माइनस एक होवे तां, ठीक है, इनू लिखना आप एक लाइन, इनू बराबर लिख सामने लिख दो, कोई टेंशन नहीं, थले भी लिखी जा सकती, सामने भी लिख दो, कोई गल नहीं। पी एक्स नू लिखो की सी रकम दिता, मैं नोट कर रहा उन्होंने 2x दी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ते माइनस 1, ठीक है, ये तुहानू दित्ती पूरी पी एक्स, देखो जिदा पी एक्स लिखा से मैं उदा ही नोट किया। आपां की करना एक्स की जगह पर किन्ना भरना माइनस एक, ठीक है, इस देना पी माइनस 1 कि तुसी आया बस इतने इनफॉर्मेशन देने भावें आ लिखो भी ना तभी कोई गल नहीं, आप पी एक्स पू एक्स ना भी लिखोगे तो भी कोई गल नहीं, बराबर उदा एक्स की जगह तो आप माइनस एक भरन लगे हैं, ये सानू भी याद रह जाता, यहाँ लिखना टू का देखो की आ गया टू, ये दोनों की आ मल्टीप्लाई, मैं बड़ी बार तुम्हें दसिया कि इदा 5a लिखा हो मतलब होंगे 5 मल्टीप्लाई ए, 2x लिखा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स दे क्यूब, आप करना 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का निशान ना पाओ, मैं तुम्हें दसिया जो माइनस 1 हो तो इनू इदा लिख दो ब्रैकट लिखो, ब्रैकट का मतलब भी की होंगे मल्टीप्लाई, एक्स की जगह पर कि लिखो माइनस 1, सारे की पावर लिखो 3, ठीक है, उस तो बाद प्लस पाया पा लिया, एक्स की जगह पर कि लिखना माइनस 1 लिख लिया, पावर कि 2 माइनस 2, एक्स की जगह पर कि लिखना माइनस 1 ब्रैकट पाई माइनस 1, तो अगे की है माइनस आ की है 1, इदा पहला तो स्टैप यह है कि आप रकम भरनी बड़ी बार कर ली हूँ तक क्वेश्चन अपना। हुण देखो ये आ गया 2 ब्रैकेट का मतलब कि हुंदा मल्टीप्लाई, हुण इहनू मल्टीप्लाई पा लो पाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई अजे भी वैसे पाउण की जरूरत नहीं, आप देखो करना की आ ब्रैकेट ही पाई रखो, इनू ब्रैकेट 2 ब्रैकेट माइनस 1 की पावर 3 किन्ना हुंदा माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1, ठीक है, माइनस माइनस की हो गए प्लस, पर आ की है माइनस, देखो ठीक है प्लस माइनस की आने माइनस आंसर होना तुहाडा माइनस च, तो कि आना एक एक में एक माइनस एक, ये माइनस एक वा इसलिए मैं तुहानू क्या गुणा ना पाओ, फिर ये दो ब्रैकटा पाउणियां पैंदियां,
ठीक है, इन्होंने लिखा टू ब्रैकेट माइनस वन, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस एक का स्केयर कढ़ो, माइनस एक गुणा माइनस एक, स्केयर का मतलब दो बारी लिखो, माइनस माइनस की हो गए प्लस, एक एकम एक, एक ही आ गया प्लस एक, प्लस पहले लगा एक ला लिया, ठीक है। अगे की आ गया देखो, अब ब्रैकेट दोनों की है माइनस माइन, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, गुणा करनी, माइनस माइनस की हो गए प्लस, ठीक है, दो एकम दो। वैसे भी मैं अपनी क्लास में दस्या कि जे चिन्ह सेम हो फिर प्लस आता, जे वक् वक् हो फिर माइनस आता, ओके। अगे की बचा माइनस वन, ओके, ये बच गया तुहाडे कोल। हुण देखो तुहाडा की होंगे, आ देखो आ प्लस वन तो माइनस वन तो इतने कट्टे गए, कट्टे जाते ना, आ प्लस का वन तो ये गल आया माइनस का वन, इनू कट दो भावें इतें कट दोगे, ठीक है। बचा की है तुहाडे कोल दो एकम दो, है ना, आ प्लस का माइनस का की आ गया माइनस दो, आ की आ प्लस का दो, ये भी दो माइनस दो तो प्लस का दो, ये दोनों कट्टे गए, बचा कि तुहाडे कोल जीरो। जे बाकी जीरो आ जाता, देखो कुछ भी नहीं बचे, जो जीरो बचे तो फिर यह हों कि आ जी रकम एक्स प्लस एक, आ जी स्टेटमेंट तुम्हें दिती है पी एक्स जरा दिता, यदा गुणनखंड है, ठीक है, इसलिए लिख देना, इसलिए लिख देना एक्स प्लस वन, ठीक है, जी एक्स लिखने की लड़ नहीं, एक्स प्लस वन दिते गए बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। ये जिहड़े कुछ को तुहाडे चो इंग्लिश वाला जो कोई स्टूडेंट हैगा तो मैनू जरूर दसना कि मैं इंग्लिश विच वां तो मैनू समझ नहीं आ रही, फिर वो इंग्लिश विच मैथ दी करांगे आपां। जे कोई जे किसी ने इंग्लिश विच मैथ रखा होया तो जरूर दसना अपने टीचर नूं, मैसेज कर दिओ मैनू ग्रुप दे विच, इहनू नोट कर लेना पॉज करके, उस तो अगला सम करदे हां आपां। क्वेश्चन नंबर इहदा फस्ट ही ये सैकेंड पार्ट करन लगे, ठीक है। जी एक्स देखो इस सानू दिता आ, जी एक्स दिता एक्स प्लस टू, ठीक है, इन्होंने सानू दिता जी एक्स बराबर एक्स प्लस टू, देखो देख रहा होना जी एक्स बराबर एक्स प्लस टू, दूसरी रकम आ दी है ना, पहला आप जी एक्स लिखना फिर इनू लिखना, एक्स प्लस टू इन्ना आ, इनू मैं तुहानू कहा सी इनू डिसिंपलाइज पायो, इत्थे पायो इनू बराबर जीरो, अपने को मन लेना एक्स की वैल्यू कि आ गई, आ प्लस का दो उधर जाके कदा हो गया माइनस का दो, ठीक है, पता लग गया। इनू लिखना आपां हुण लिखो जे एक्स बराबर माइनस दो होवे तां, ठीक है, हुण अपना पी एक्स लिखो की ही पी एक्स किन्ना दिता, देखो ध्यान दिओ पी एक्स वाली रकम जिहड़ी दिती है तुहानू आ दिती हुई है, एक्स दी तीन आ जी स्टेटमेंट इनू लिखो कि आ गया एक्स, ये है एक्स द क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स तो प्लस वन, ठीक है, ये भरना की भरना तुम भरा एक्स की जगह पर माइनस दो, इनू लिख दो कि पी एक्स की जगह पर असं माइनस दो भरन लगे, वैसे मैं तुम्हें कहा ना भी लिखोगे तो भी कोई गल नहीं, ठीक, सीधा भी लिख सकते कोई गल नहीं, ये जरूरी नहीं है, एक्स की जगह पर माइनस दो सारे नूं लिखो ब्रैकेट उपर पावर पाओ तीन, ठीक है, प्लस थ्री का थ्री लिखा आ एक्स इन्ना की आ मल्टीप्लाई, है ना, पर माइनस वाली रकम पर नहीं, इसलिए मैं तुहानूं कहा सी की पाओ ब्रैकेटा ही पाओ, मल्टीप्लाई के निशान ना पाओ, किसी च भी ना पाओ मल्टीप्लाई के निशान पाने की लड़ नहीं, ब्रैकेट भी पाओगे वह मतलब भी होंगे मल्टीप्लाई, यदि पावर दो आ पावर दो पाई अगे प्लस थ्री एक्स की जगह पर मल्टीप्लाई माइनस दो, ठीक है, पता लग गया अगे कि प्लस प्लस लिखा अगे की आ एक, ओके, हुण इहनू आपां हल कर देना, माइनस दो की पावर तीन मतलब माइनस दो गुणा माइनस, देखो माइनस दो की पावर तीन मतलब माइनस दो गुणा माइनस दो गुणा माइनस दो, ठीक है, इस तरह आपां तीन बार इहदा कढ़ना आ कि की बनता, माइनस दो नूं तीन बारी गुणा करो, दो दूनी चार चार दूनी अठ, है ना, ये आ गया अठ, पर कादा होना आ माइनस माइनस की हो गए प्लस, ठीक है, आ दोनों का तो हो गया पर आ की है माइनस, प्लस माइनस की होने माइनस, आंसर होना माइनस,
माइनस 8, ठीक है। अगे प्लस, प्लस पाया 3 पाया, ठीक है। हुण देखो माइनस 2 का स्केयर किन्ना हुंदा, अब ब्रैकेट का मतलब की हुंदा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ही रखो कोई गल नहीं, ठीक है। माइनस 2 का स्केयर किन्ना हुंदा, माइनस 2 गुणा माइनस 2 किन्ना हुंदा 2 दुनी 4, पर माइनस माइनस की हो गए प्लस, इहदा मतलब ये आना प्लस च 4, ठीक है। अगे आप हल करते हैं आ प्लस का, देखो आ की है 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू माइनस 2, यद मतलब इनू आप इंटू भी कहने, यदा मतलब की है मल्टीप्लाई, ठीक है। इन्हों मल्टीप्लाई करो 3 2 का 6, पर चिन्ह कड़ा होना प्लस माइनस की हो गए माइनस, ठीक है। अगे की प्लस, अगे की है 1, ओके। हुण देखो आप इनू हल करना थोड़ा जा, कि माइनस 8 आ गया, ठीक है। आगे आ गया 4 3 12, ब्रैकेट का मतलब हुंदा मल्टीप्लाई, 4 3 12 प्लस 12 माइनस 6 तो प्लस 1, ठीक है। ये किन्ना आ जाना तुहाडे को, देखो 12 पहला प्लस वाले लिखो, 12 तो 1 किन्ने हो गए 13, है ना, की हो गया 13 हो गया। अगे की लिखना माइनस 8 तो माइनस 6 किन्ने हो गए माइनस 14, है ना। एक कि बचिया माइनस 14 चो मैं 13 कटे माइनस 1 बाकी बच गया, है ना, इनू बाकी ले दो भावें, ठीक है। यदा मतलब यद आंसर साडा बचिया 0 नहीं आया, है ना, बाकी 0 नहीं आया, यदा मतलब यदा गुणनखंड नहीं है, ये लाइन लिख लैनी तुम, ठीक है। मेरे को हम तुम थले लिख लेना, मैं इतने थोड़ा जहा करके लिख देना, इसलिए लिखना एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ओके। इन्हें नोट कर लेना अपने कापी से, उस तो बाद अगला सम करते हैं।